एवरीवन, रजत चौहान हियर। तो यू नो गाइस, आज हम बात करेंगे कि बिज गुरुकुल को ज्वाइनिंग करने के बाद आपको करना क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि बिज गुरुकुल ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद करना क्या है। देखो, आप मेरी टीम से हो तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप का व्हाट्सअप पे आप कनेक्टेड हो जाओगे मेरे थ्रू और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब आराम से जो मैं स्टेप आपको बताता हूँ वो अच्छे तरीके से करना। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ करोगे तो आपका जो ग्रोथ है ना बिज गुरुकुल के अंदर, लर्निंग का और अर्निंग का, दोनों काफ़ी बढ़िया सा आने वाले फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप मेरी टीम से हो या नहीं हो, बट ये चीज़ आप फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आप बिज गुरुकुल में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से हम बात करते हैं कि कैसे बिज गुरुकुल को ज्वाइनिंग करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने समझ लो कि फाइनेंस मास्टरी में एनरोल कर लिया। ठीक है, देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल को तो डेफिनेटली आप मेरी टीम से हो या नहीं हो, भाई ज्वाइन कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल पता चलेंगे, बहुत सारी अपडेट्स पता चलेगी, बहुत सारे यू नो बिज गुरुकुल में कैसे अर्न करना है, फर्स्ट डे अर्निंग, लास्ट डे अर्निंग, सारी चीज़ों के बारे में ये यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैन ऑन मिशन ब्रजेश चौहान लिखोगे तो आपको आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, दूसरी चीज, अभी तक आपने बिज गुरुकुल में एनरोल नहीं किया है तो भाई नीचे दिए गए एनरोलमेंट लिंक या फिर रेफरल कोड के थ्रू यहाँ से मेरे टीम में आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक मेंटोर हूँ, बिज गुरुकुल में ज्वाइनिंग करने के बाद क्या क्या करना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो के थ्रू भी और पर्सनल टच भी मिलेगा जो मेरी टीम से ज्वाइन करते हैं। तो नीचे दिए गए एनरोलमेंट लिंक और रेफरल कोड से ज्वाइन कर लो, 30% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरा सपोर्ट अलग से। ठीक है, तो गाइस चलो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिज गुरुकुल में ज्वाइनिंग करने के बाद करना क्या है। सॉरी फॉर दिस, यू नो। तो देखो यार, bizgurukul.com में चले जाओ। जैसे ही आप, मैं समझता हूँ कि आपने फाइनेंस मास्टरी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और भी कोई भी पर्टिकुलर पैकेज के थ्रू आपने ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि bizgurukul.com में चले जाओ, उसमें आपको लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन करोगे ना आप, तो जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपका आईडी और पासवर्ड जो आपने ज्वाइनिंग करने के बाद जनरेट किया था ना, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप डाल दोगे आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मे बी आप नए हो तो आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो ओपन हो जाएगा, वो आप अच्छे से देख लो। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखोगे तो आपने जो जो कोर्सेज लिए हैं, जैसे कि आपने मार्केटिंग मास्टरी, ब्रांडिंग मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, जो भी आपने लिया है वो आपको दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मैंने फाइनेंस मास्टरी लिए है तो नीचे के जितने भी सारे कोर्स है वो मेरे को फ्री में अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो सबसे बड़ा पैकेज लेने का ये बेनिफिट है। फाइनेंस मास्टरी आपने लिया यानी कि आपका जो डिसीजन है बहुत ही बढ़िया है। अब आपको क्या करना है, देखो दो तरीके की बिज गुरुकुल में अर्निंग होती है। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है, बट मेरे टीम से हो, मेरे यूट्यूब चैनल्स को आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखो बिज गुरुकुल में दो तरीके की अर्निंग, किस लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा एग्जाम्पल दे के आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनेंस मास्टरी एनरोल कर लिया और आपने ट्रैफिक मास्टरी के अंदर एक कोर्स किया यूट्यूब मास्टरमाइंड का, ये वाला। ठीक है, बट ये कोर्स आपने यूट्यूब को अच्छे से ग्रो करने के लिए किया तो आप यूट्यूब से भी अर्न करना चालू करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको अफिलिएट पैनल में क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने यूट्यूब चैनल को ग्रो करके लास्ट 90 डेज में 17,000 रुपये अर्न किए, ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। ये एक वन टाइप ऑफ अर्निंग होती है जो बिज गुरुकुल को कोर्स को लर्न करके, बिज गुरुकुल में कोई पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करके आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये एक वन टाइप ऑफ अर्निंग मैं बोल रहा हूँ। सेकंड टाइप ऑफ अर्निंग के लिए आपको चले जाना है अफिलिएट पैनल। देखो अभी आपको, देखो ये वाला देख रहे हो पूरा, यहाँ पे अफिलिएट पैनल दिख रहा है। देखो आपको है ना, आपने शायद मोबाइल में ओपन किया होगा तो आपको ऐसा राउंड सर्कल कर किया हुआ एक प्रोफाइल का बटन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो तो ऐसा ओपन हो जाएगा, तो उसमें आपको अफिलिएट पैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अफिलिएट पैनल पे क्लिक करोगे उसमें आपका ऐसा डैशबोर्ड मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर देखने को मिला। देखो आज की मेरी अर्निंग है 10,000 रुपीज़। ठीक है, लास्ट 7 डेज की अर्निंग है 24,000, 72,000 30 डेज के लिए, तो ये मेरी अर्निंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप अफिलिएट पैनल में आते हो आपको चले जाना है बिज गुरुकुल कम्युनिटी के अंदर। बिज गुरुकुल कम्युनिटी में जितनी भी कम्युनिटी है ना, उसको एक एक करके क्लिक करके सारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम मस्ट गाइज, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप दो तो भाई ज्वाइन कर ही लेना, उसको मत भूलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपडेट्स वगैरह उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में चले जाना है, ये मत भूलना, ये आपको करना बाद में है बट यहाँ पे समझ लो भाई। ठीक है, देखो जैसे ही आप बिज गुरुकुल के अंदर ज्वाइन करते हो ना, तो ट्रेनिंग में है ना स्टेप टू सक्सेस जो है ना
ये भाई हिंदी ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर देना। उसमें आपको ब्रीफली समझ में आ जाएगा कि सेकंड टाइप ऑफ जो मेरी अर्निंग की बात की थी ना कि अफिलिएट करके और बिज गुरुकुल को रेफर एंड ऑन करके कैसे अर्निंग करना है, तो भाई ये ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग का पार्ट बहुत बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप आप करना, आराम से सारी चीजें सीखो और उसको इंप्लीमेंट करना। उसके बाद सीधा आप केवाईसी पे ऊपर चले जाओ, ये वाला जो केवाईसी का पूरा सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करो और केवाईसी आपकी कंप्लीट कर देना। केवाईसी मस्ट है गाइस, कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो केवाईसी तो करना ही मत भूलना, ये एक दिन में ये सारी जो चीजें हैं मैं जो बता रहा हूँ उसमें केवाईसी पहली अच्छे से कर देना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वेबिनार सेक्शन है, वेबिनार सेक्शन में आपको वीकली बोर्ड मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा कि मंडे क्या होने वाला है, वेनसडे क्या होने वाला है, फ्राइडे क्या होने वाला है, वो सारी चीजों का आपका पूरा पूरा ट्रेनिंग सेक्शन और जो भी चीजें होने वाली है वीकली बेसिस पे उसका आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग टूल के अंदर आपको वो मिल जाएगा, जैसे कि ओरिएंटेशन वीडियो हो गया, बिज गुरुकुल के फैक्ट्स क्या है, Q50 ऐसे रीजन है जो बिज गुरुकुल को आपको क्यों चूज करना चाहिए, वैसे आपको कुछ ऐसे मटेरियल मिल जाएगा जहां से आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, और उसके बाद रेफरल लिंक और रेफरल कोड। यस, जैसे ही आप बिज गुरुकुल में ज्वाइन करते हो तो रेफरल लिंक आपकी क्या है, रेफरल कोड क्या है, जैसे आपने मेरा रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन किया था ना MAN4340, वैसे ही आपका भी कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप रेफरल लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो, और पेमेंट लिंक के ऊपर क्या होता है कि कोई भी पर्सन आपके थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आप लिंक शेयर करोगे तो आपको आपके डैशबोर्ड में भी ये जो मेरी जो यहाँ पे इनकम शो हो रही है आपकी भी इनकम शो होना चालू हो जाएगी जैसे ही कोई पर्सन ज्वाइन करता है। इसको सेकेंड टाइप ऑफ अर्निंग बोलते हैं, जिसको अफिलियट अर्निंग बोलते बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो कहने का मतलब ये है कि माई कोर्स में जो जो चीज़ें हैं ना गाइज वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिसमें आप पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करके अर्न अर्न कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बोनस चीज़ में बताऊँ तो ब्रांडिंग मास्टरी में है ना, मिलियनर ब्लूप्रिंट, मिलियनर सक्सेस ब्लूप्रिंट करके ये कोर्स है भाई, ये देख लेना, ये आपका है ना माइंड चेंज कर देगा, सच बताऊँ तो। ये वैसे मैंने लास्ट बोल रहा हूँ बट पहला कोर्स तो यही करना चाहिए, जिस दिन ये वाला माइंडसेट आपका शिफ्ट हो जाएगा ना तो बिज गुरुकुल क्या दुनिया में कोई और भी काम करोगे ना तब भी आप अच्छे से समझ पाओगे कि मनी मैनेजमेंट और पैसे का माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको मिलियनर सक्सेस ब्लूप्रिंट के अंदर सिखाया जाएगा। तो डेफिनेटली ये कोर्स भी अच्छे से समझना और सीखना। तो समझ आया गाइस, बिज गुरुकुल को ज्वाइन करने के बाद आपको पहली चीज़ जो करनी है, अफिलियट पैनल में चले जाओ, अफिलियट पैनल के अंदर आपको बिज गुरुकुल की कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, उसके बाद केवाईसी करना है, उसके बाद ट्रेनिंग में जाके ट्रेनिंग को अच्छे से धीरे 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 7 डेज या 15 डेज लेके अच्छे से ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट करो। ठीक है, होप आपने मेरा अच्छे से ये वाला पूरा वीडियो देखा, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, आप मेरी टीम से हो तो भाई मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मेरी टीम से नहीं हो तो आपके आपने जिसके थ्रू ज्वाइन किया है उसको मैसेज करो, मेरे को मत करना। ठीक है, और ऐसा भी बोलना मत यार व्हाट्सअप करने के बाद भाई यार मेरा मेंटर है ना मेरी हेल्प नहीं कर रहा, या मेरे मेंटर ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, या वो रिप्लाई नहीं कर रहा, ऐसी बकचोदी मत करना, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आएगा मेरी मेरा मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेरे लोगों को ही मेंटर कर सकता हूँ क्योंकि भाई मेरी भी टीम ग्रो हो रही है ना, मेरे पास भी जो लोग मेरे भरोसे आए उसको मेरे को टैकल करना पड़ेगा, मेरे को उनको गाइड करना पड़ेगा, मेरे को उनको सारा नॉलेज देना पड़ता है, तो उसमें भी मेरा टाइम जाता है ना, आप समझो यार। तो जो लोग मेरी टीम से वो फिट मतलब आराम से मेरे को व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हो, हाँ पहले व्हाट्सअप कर देना भाई प्लीज, डायरेक्टली कॉल कर दोगे तो मैं कभी कभी बिजी हूँ, ऐसे वीडियो बनाता हूँ तब नहीं कॉल उठा पाऊंगा, इसलिए पहले व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पे सारी चीज़ें मैं गाइड कर देता हूँ, बट फिर भी कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो ब्रीफली, और स्पेशली फाइनेंस मास्टर के लिए मैं 1-to-1 सेशन रखते ही सारी चीज़ों को गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।